नवरात्रों में आप अपनी कन्याओं को दूसरों के घर पर खाने को भेजते हैं, आप कंजक पर भी भेजते हैं, पर आपको अगर ये गिफ्ट कोई दे तो भूल कर भी ना ले। ये जो गिफ्ट होते हैं ये बर्बादी के कारण होते हैं। जैसे कि आपकी कन्या किसी के घर खाने के लिए गई है और उसका मंगल बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसको कोई लाल रंग की चीज़ गिफ्ट देता है तो उस पर कोई प्रॉब्लम आ सकती है। इसी तरह से किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है और ऐसी कन्या किसी के घर जाकर खाना खाती है और कोई उसको सांप सीढ़ी का खेल गिफ्ट में देता है, क्योंकि हमने देखा है ऐसे बहुत से गिफ्ट दिए जाते हैं, लोग अपना उतारा भी करते हैं इसकी आड़ में, जो कि नहीं करना चाहिए। कन्याओं को देवी स्वरूपा समझकर उनको शुद्ध सात्विक और बढ़िया चीज़ें गिफ्ट में देनी चाहिए। लेकिन हर किसी की मानसिकता एक जैसी नहीं होती है और आपका दायित्व है कि आप अपनी कन्या की रक्षा करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई अपना उतारा आपकी कन्या पर कर दे, ऐसा ना हो कि कोई अपनी तांत्रिक क्रियाएं आपकी कन्या पर कर दें। तो सोच समझ कर आप अपनी कन्याओं को किसी के घर भेजें, अपनी बेटियों को किसी के घर भेजें। यहाँ मेरा उद्देश्य किसी भी तरह से अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, लेकिन ऐसी क्रियाएं होती हैं, इस चीज़ से हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से लोग सात्विक और बहुत से लोग तांत्रिक पूजा करते हैं। जहाँ सात्विक पूजा लोग करते हैं, जहाँ आपका पूर्ण विश्वास है, वहाँ आप स्वयं अपनी मौजूदगी में अपनी कन्या को लेके जाएँ, अकेले अपनी कन्या को कभी भी किसी के घर पर नहीं भेजें। आप ऐसा करेंगे तो किसी तरह का कोई संकट आपके जीवन में नहीं आएगा।